गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह मंत्र बचपन में हम सभी सुनते और पढ़ते आए हैं। हिंदू धर्म के पुराणों में गुरु को भगवान से ऊंचा स्थान का वर्णन मिलता है, क्योंकि वो गुरु ही है जो भगवान और ब्रह्मांड का ज्ञान देता है। इस वर्ष 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। यह पर्व वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। संसार के सबसे पहले गुरु वेद व्यास हैं, जिन्होंने वेदों पुराणों के माध्यम से सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां हम तक पहुंचाकर ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता को दूर किया है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं पूर्व गढ़ा भद्रकाली धाम के पंडित संजय महाराज से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भद्रकाली ज्योतिष मंडल धाम पूर्वाग्रह की ओर से गुरु पर्व गुरु पूर्णिमा की आप समस्त नगर निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरु की पूजन कैसे करना चाहिए, मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य को चाहिए कि व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, उसके उपरांत स्नान ध्यान करके गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के गृह आश्रम जाना चाहिए, वहाँ जाकर के गुरु का चरणों से स्नान कराना चाहिए, गुरु के चरणों को चंदन तिलक इत्यादि से पूजा करना चाहिए, माल्यार्पण करना चाहिए, यथाशक्ति वस्त्रदान मिष्ठान द्रव्य फल जो बन सके यथाशक्ति दान करना चाहिए और गुरु से गुरु मंत्र के विषय में जानकार गुरु मंत्र लेना चाहिए, जिससे आपके अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं वो दूर होंगी और गुरु मंत्र से आपके जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति होगी। जिनके गुरु नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर जिस प्रकार गुरु का पूजन करते हैं उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर सकते हैं। और गुरु पूजन सनातन धर्म में आदि काल से चला आ रहा है, व्यास जी का स्वरूप मानकर हर गुरु का पूजन किया जाता है। भद्रकाली ज्योतिष मंडल धाम पूर्वाग्रह में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को बच्चों को सूर्य नमस्कार, भोजन मंत्र, वेदों का ज्ञान, रामचरितमानस गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे बच्चे सनातनी बनकर अपने धर्म के विषय में जाने कि हमारे धर्म में क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए और आगे बढ़कर जीवन में सज्ज बनकर अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। भद्रकाली ज्योतिर्मंडल धाम पूर्वाग्रह सदा हिंदू धर्म के लिए तत्पर है और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सदैव रहता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन भद्रकाली ज्योतिष मंडल धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत से शिष्य आएंगे अनंत और उनके लिए भंडारे की व्यवस्था एवं सुंदरकांड अखंड मानस का पाठ भी किया जाएगा। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपो भूमि हर ग्राम है, भारत देश के वासी हैं हम, ऋषियों की संतान हैं। एक बार पुनः है गुरु पूर्णिमा गुरु पर्व की भद्रकाली ज्योतिर्मंडल धाम पूर्वाग्रह की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। जय मां भद्रकाली।